अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप दे आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। तो आलू मैंने इस तरह से काट लिए थे छोटे छोटे क्यूब्स में। टमाटर का छिलका उतार के टमाटर काट लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट है, कुटी हुई मिर्ची है, जीरा है, अजवाइन है और हल्दी नमक। तो प्याज को ब्राउन कर लेंगे। ऑयल डाल दिया था मैंने आधा कप के करीब और एक प्याज डाला है छोटा साइज़ का। तो इसे ब्राउन कर लूँगी। तो ब्राउन मैंने कर लिया है इसे और इसमें मसाले डाल देंगे जो मैंने अभी रखे हुए थे। टमाटर, अदरक, लहसुन और ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसे डाल के अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे जब तक टमाटर मैश ना हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। जब कुछ ना समझ आए तो ये बना लें, नहीं समझ आता तो फिर ये बना लेते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है और बन भी जल्दी जाती है। तो ये देखें, मसाला मेरा अच्छी तरह से भुन गया था, टमाटर भी मैश हो रहे थे। तो इसमें थोड़ा सा और करूँगी, मसाला भूनूँगी और फिर इसमें आलू डाल दूँगी। देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया। तो अब इसमें आलू डाल दूँगी मैं, सारे आलू ये डाल दिए मैंने। अभी अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आधा कप मैं पानी का डालूंगी इसमें और इसे पकने के लिए रख दूंगी जब तक आलू गल ना जाए। तो ये देखिए, इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी आधा कप के करीब। चलो, तो ये मैंने पानी डाल दिया। अब इसे पकने के लिए रख दूँगी मैं ढक्कन लगा के। तो थोड़ी देर बाद में फिर इसे देखेंगे। 5-10 मिनट के बाद मैंने इसे फिर देखा था तो अभी पानी था इसमें, पानी था और आलू भी थोड़े से कच्चे थे। तो मैंने इसे फिर दोबारा से ढक दिया। अब इसे दोबारा ढक देंगे और पकने देंगे जब तक पानी खुश्क ना हो जाए और आलू भी गल जाए जब तक इसे पकाएंगे। तो ये देखें, पानी खुश्क हो गया और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। तो थोड़ा सा इसको भून लेंगे और उसके बाद फिर डिश आउट कर देंगे। तो अगर आज की ये आलू की सब्ज़ी आपको अच्छी लगी हो मेरी रेसिपी, तो इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलें, उससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, उससे ज़्यादा खाने में मज़े के लगेंगे आपको। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अल्लाह हाफिज़।